लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए देश के सात राज्यों की 59 सीटों पर रविवार को मतदान हुआ। जिन 59 सीटों पर मतदान हुआ उनमें हरियाणा की 10 सीटें भी शामिल हैं। वहीं छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दें तो हरियाणा में चुनाव लगभग पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। वहीं चुनाव के बाद प्रशासन ने ईवीएम को अपने कब्जे में ले लिया है। ईवीएम की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। ईवीएम की सुरक्षा के लिए ईवीएम केंद्रों के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 70.29% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के लिए अब केवल सातवां और आखिरी चरण 19 मई को होगा। इसके बाद 23 मई को नतीजों का ऐलान होगा। तो हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग हो गई है और अब जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। हरियाणा में आपको बता दें कि 70.29% मतदान हुआ है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार ज्यादा वोटिंग रही थी, लेकिन इस बार वोटिंग प्रतिशत जो है वो खत्म हुई और कम हुई। छठे चरण के लिए मतदान हुआ महज 70.29% मतदान हुआ। अनूप कुंडू ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फोन लाइन पर। अनूप कुंडू, महज हरियाणा में 70.29% मतदान हुआ, लेकिन पिछली बार काफी ज्यादा वोटिंग हुई थी। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इस बार मतदान कम रहा है, लेकिन अगर हम हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो मतदान काफी जो 72.20% हुआ है। इसमें अगर हम हिसार की बात करें तो यहाँ जो रेशियो है वो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर हम अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी जिसको विधानसभा क्षेत्र हम बोल सकते हैं उनकी बात कहें तो सबसे ज्यादा आदमपुर में जो है यहाँ पर 73.90 और हिसार जो शहर है वहां पर सबसे कम मतदान हुआ है, 66.67% मतदान रहा है। इसके अलावा अगर हम पूरे जो कल का मतदान रहा है उसकी बातचीत करें, अगर हम उचाना की बात करें तो 70 के लगभग वहां पर मतदान हुआ है। आदमपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा 77% मतदान हुआ है। उकलाना में भी मतदान बहुत अच्छा रहा है जो 72% से ऊपर है। इसी प्रकार नारनौंद और अगर हम आसी की बात करें वहां भी 72% से ज्यादा रहा है। बरवा 70% और हिसार में कम मतदान हुआ है जहां पर 66% ही मतदान हो पाया है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। तो 223 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 223 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है और प्रदेश में कड़ी सुरक्षा भी नजर आई कल और अब ईवीएम को केंद्रों में पहुंचा दिया गया है। अमित तिवाड़ी ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिरसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित तिवाड़ी, सिरसा में कितने प्रतिशत वोटिंग रही? ये अगर सिरसा की बात की जाए तो हरियाणा में सर्वाधिक मतदान जो है वो सिरसा के खाते में आया है इस बार और 75.51% जो मतदान है वो दर्ज किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सिरसा लोगों ने बढ़ चढ़ कर हालांकि पिछली बार की अपेक्षा कुछ कम प्रतिशत रहा है और सिरसा के ही 9 इसमें विधानसभा क्षेत्र पड़ते की जाए तो यहाँ भी कालावाली जो है उसमें सर्वाधिक मतदान जो दर्ज किया गया उसमें 78.90% जो मतदान का प्रतिशत आया है जो कि सर्वाधिक है। और इसके अलावा अगर सिरसा के जो दूसरे जो फतेहाबाद है उसमें 75.43 आया है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का, लेकिन मतदान की बात की जाए तो जो प्रशासन की ओर से मतदान जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए थे उसका असर सिरसा में कुछ ज्यादा देखने को मिला है, इसीलिए बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि कुछ गाँव बहिष्कार में शामिल भी हुए लेकिन वे बाद में मान गए, उनका प्रतिशत कुछ कम रहा है। बावजूद इसके प्रतिशत अच्छा होना एक प्रशासन के लिए भी एक राहत भरी बात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तिवाड़ी तमाम इस जानकारी के लिए। तो सिरसा की सीट पर ज्यादा देखी गई भीड़ और लोगों ने वहां पर
बढ़ चढ़ करके अपने मत का इस्तेमाल किया, 75% कुछ वोटिंग हुई है। सोनीपत से उमेश कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश कुमार, सोनीपत हॉट सीट है इस बार और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इसी सीट से लड़ रहे हैं, साथ के साथ दिग्विजय चौटाला भी यहीं से ही हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी टक्कर इस सीट पर देखी गई। कल लोगों का क्या रुझान इस सीट पर था, कितने लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस पर्व में हिस्सा लिया? तो करनाल में 68.52% मतदान हुआ, सोनीपत में 70.72% मतदान हुआ, रोहतक में 70.55% मतदान रहा और रेशो इस बार 70% का रहा है। तो गुरुग्राम में 67.37% मतदान हुआ है। हर्षवर्धन रोहतक से ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फोन इन पर। हर्षवर्धन, वोटिंग जो है रोहतक में भी 70 के आसपास ही रही। आपको बता दें कि रोहतक की बात की जाए तो रोहतक लोकसभा चुनाव के दौरान जो है लगभग जो है 70% के करीब जो है मतदान हुआ है और फिलहाल तमाम जितने भी प्रत्याशी उनका भाग्य जो है ईवीएम के अंदर कैद हो चुका है और 23 तारीख को जो है इनके भाग्य का फैसला होगा कि आखिर रोहतक लोकसभा के जो मतदाता है उन्होंने संसद में भेजने को किसका मन बनाया। हालांकि बात की जाए तो सिर्फ जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही बताया जा रहा है, लेकिन अब ये देखना है कि रोहतक की जनता ने किसको संसद में भेजने का मन बनाया है। इसका फैसला 23 तारीख को ही हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए हर्षवर्धन शर्मा। उमेश सोनीपत से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उमेश, सोनीपत की तस्वीर भी हम देख रहे हैं, 70.72% कुछ मतदान हुआ है, तो बेहद कम फीसदी मतदान हुआ है पिछली बार के मुताबिक, क्या वजह रही कुछ बता पा रहे हैं चुनाव आयोग के अधिकारी? रही कि कई बार जो बूथ बने हुए हैं उसपे कई बार मशीनें खराब हुई, लेकिन उसको थोड़ी सी देर के बाद ठीक भी कर दिया गया। ये एक बड़ा कारण रहा है, लेकिन लोगों में सुबह से लेकर शाम तक मतदान करने की जो उत्साह था वो बना रहा। उसके बावजूद भी सोनीपत में करीब करीब 73% जो है मतदान आया है सोनीपत से, और गोहाना में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, 74% गोहाना में मतदान हुआ है। और बात की जाए अगर गन्नौर की तो गन्नौर में 71% और राई में 71%, खरकोटा में भी 69% मतदान हुआ है। तो लोगों में काफी उत्साह था वोटिंग का और करीब करीब बीजेपी और जो है कांग्रेस पे ज्यादा रुझान रहा लोगों का। जी कल क्या कुछ आपने किसी लोगों से बात करी, क्या कुछ कहना था उनका, किस आधार पर वो वोटिंग कर रहे हैं? नहीं, जैसे लोगों से पूछा गया कि उनका यही कहना था बुजुर्ग युवा का कि हम ऐसे व्यक्ति को वोट दे रहे हैं जो देश के हित में काम करे, देश के विकास में काम करे, और जो एक एक जन जन के जो आम सुविधा है और जो समस्या है वो संसद तक पहुंचाए, ऐसा लोगों का कहना था और उसी को देखते हुए लोगों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश तमाम इस जानकारी के लिए। तो हरियाणा में 70.29% मतदान हुआ है, अम्बाला में 71.72% मतदान हुआ है, हिसार में 72.19% मतदान हुआ है। फरीदाबाद से राजा पटेल ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फोन लाइन पर। फरीदाबाद से भी बहुत कम प्रतिशत मतदान हुआ, राजा पटेल जानकारी कुछ मिल पाई कि आखिरकार क्या वजह रही? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पाया है। तो छठे चरण के लिए मतदान अब संपन्न हो गया है, 23 मई का सभी को इंतजार रहेगा कि आखिरकार क्या फैसला उस दिन आता है और कौन सी सीट पर कौन से पार्टी का उम्मीदवार कब्जा करता है। क्योंकि अगर ऑल ओवर देखा जाए तो मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों में ही देखा जा रहा है, लेकिन जननायक जनता पार्टी जो कि अभी अस्तित्व में आई है वो भी कहीं ना कहीं टक्कर दे रही है। तो कुछ सीटों पर समीकरण जो है वो त्रिकोणीय भी बन रहे हैं और इसलिए 2019 के ये लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गए हैं। रही मुद्दों की बात, तो कोई काम की चौधर की बात करता है, कोई चौधर की बात करता है, तो कोई कहता है कि बेरोजगारी को हटा दिया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बात कर ली जाए तो वो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे गौण हैं।
उमंग शौरान, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फोन लाइन पर। उमंग, क्या कुछ जानकारी आपके पास, कितने प्रतिशत वोटिंग? जी बिल्कुल, देखिए अंबाला लोकसभा सीट में अगर बात की जाए तो जो पंचकुला हलका है, विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से जो वोटिंग हुई है इस इलेक्शंस को लेकर 12 मई यानी कल, वो आपको बता दें कि 65.50% हुई है, यानी कम ही वोटिंग इसे कही जाएगी, क्योंकि संभावना ये थी कि 70 का आंकड़ा पार कर जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का विरोध भी सामने आया। अगर बात करें गुमथला गांव की, तो वहां पूरे के पूरे गांव ने ही चुनाव का बहिष्कार किया, और ना केवल बहिष्कार किया, उनकी नाराजगी जो सरकार के प्रति इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने कहा कि ना केवल लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव का भी वो बहिष्कार करेंगे, जिसका मुख्य कारण उनके गाँव में बुनियादी सुविधाएं, जल, सड़क, बिजली और इसके अलावा स्वास्थ्य की सेवाएं, स्कूल, ये सभी सेवाएं नदारद होने के चलते उन्होंने नाराजगी जाहिर की। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्वयं उनसे फोन पर बात की, उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, उनका हल निकाला जाएगा, लेकिन आप आज मतदान तो कीजिए, लेकिन बावजूद इसके उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि वो नहीं उन्होंने मतदान किया। इसमें गाँव की महिलाएं भी शामिल थी, करीब 125 जो वोट है उस गाँव के, उन तमाम लोगों ने शाम को 6 बजे तक भी वोट नहीं डाली, यानी उस गांव का जो वोट प्रतिशत है वो 0% रहा। इसके अलावा हमने कुछ अन्य वोटरों से बात की तो अलग अलग वर्गों के लोगों की अलग अलग राय सामने आई। अगर बात करें युवा वर्ग की, तो युवा वर्ग के लिए मुख्य मुद्दे जो इस चुनाव में रहे, जो उनकी उम्मीद थी आने वाली सरकार से, आने वाले सांसद से, वो रोजगार को लेकर के थी कि इनके जो प्रतिनिधि चुना जाए वो संसद में, और जो केंद्र में सरकार हो वो रोजगार सृजन करने में उस दिशा में कार्य करे। इसके साथ साथ बुद्धिजीवी या बुजुर्ग वर्ग की बात करें तो वो देश हित की बात करते नजर आए, व्यापक रूप से देश के लिए जो नेता चुना जाए उसकी उम्मीद थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। उमंग शौरान बता रहे हैं कि कुछ इलाके ऐसे भी है जहां पर 0% मतदान हुआ है। राजा पटेल, ज्यादा जानकारी के लिए अब फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा पटेल, फरीदाबाद की भी प्रतिशत हम दिखा रहे हैं, वोट प्रतिशत दिखा रहे हैं, ज्यादा रहा नहीं है, क्या कुछ वजह? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार आपने देखा कि फरीदाबाद में किस तरीके से जो चाहे बात करें कैंडिडेटों का विरोध लोग कहीं ना कहीं करते हुए नजर आए, तो उसका असर कहीं ना कहीं मतदान पर दिखाया। मैं आपको दोस्तों टोटल लगभग 64% पूरे लोकसभा में मतदान हुआ है। मैं आपको दोस्तों की बल्लमगढ़ और तिगांव में काफी कम मतदान हुआ है। तिगांव में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेसी प्रत्याशी जो कि ललित नागर तिगांव से आते हैं, तो कहीं ना कहीं काफी विरोध जब उनकी टिकट कटी तो हुआ था, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जिस तरीके से कल काफी कम वोटिंग, सबसे कम वोटिंग तिगांव में हुई है, बल्लमगढ़ में भी काफी कम वोटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा था, गुस्सा जो कि इस वोट पर निकाला और कहीं ना कहीं वोट देने लोग नहीं पहुंचे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और राजा पटेल फरीदाबाद से जानकारी दे रहे थे कि आखिरकार क्यों वोट प्रतिशत इतना कम देखा गया फरीदाबाद में।